नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, टैली ERP9 का यह हमारा लेक्चर चल रहा है और आप आज देखेंगे लेक्चर नंबर 26। लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कस किया था पेरोल के बारे में, सैलरी मैनेजमेंट के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप ये चेक किया था PDF के माध्यम से कि हम कैसे एक एक स्टेप को परफॉर्म करेंगे। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। उसमें एक एक स्क्रीन को समझाया गया है। अब इसमें फ्रेंड्स आइए हम लोग टैली में चलते हैं और रियल इन्वायरमेंट पे करके देखते हैं कि एक्चुअल में पेरोल को हम टैली पे कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा पेरोल है, यहाँ पे देखिए आपको शो कर रहा है। पेरोल इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉई सैलरी अंडर वेरियस पे हेड्स, ऑल स्टेटरी एंड नॉन स्टेटरी डिडक्शंस, अटेंडेंस ऑफ प्रेजेंट एब्सेंट एंड ओवरटाइम रिकॉर्ड्स। फ्रेंड्स, ये आपका एक सैलरी शीट बना हुआ है, ये एक्सेल में बना हुआ है जिसमें बेसिक सैलरी है, DNS अलाउंस है, ट्रेवलिंग अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, ग्रॉस सैलरी है, देन PF है, IT है और इसके बाद नेट सैलरी है। तो ये सब कुछ ऐड होके ग्रॉस बनेगा। उसके बाद से फिर आपका उसमें से PF और इनकम टैक्स डिडक्ट होके आपका नेट सैलरी बनेगा। इसके प्रीवियस लेक्चर में इस पर ब्रीफली डिस्कस किया हमने फ्रेंड्स, तो जो इसको पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके लास्ट वाला लेक्चर ज़रूर देखें और उसके बाद इसको देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम लोग टैली में चलते हैं और सीधे देखते हैं कि इसका वर्किंग अब हम लोग कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा टैली का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। यहाँ पे पेरोल मैनेजमेंट करके हमने एक कंपनी भी क्रिएट कर ली है, अभी इसमें कुछ और नहीं किया हमने। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले हम पेरोल एक्टिवेट कैसे करेंगे। पेरोल एक्टिवेट करने के लिए फ्रेंड्स F11 प्रेस करना है आपको, अकाउंटिंग फीचर में जाना है, कंपनी चूज करनी है और यहाँ से दो ऑप्शन होते हैं, मेंटेन पेरोल, ये ऑप्शन आपको यस कर देना है और मेंटेन मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, इसको भी यस कर देना है। देन कंट्रोल ए करके इसको सेव करके बाहर आ जाइए। ये आपका पेरोल एक्टिवेट हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली पे आपका पेरोल इन्फॉर्मेशन का एक नया मेनू आ गया। अब इसके अंदर फ्रेंड्स हम जाएंगे तो सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा वो होता है वर्क यूनिट क्रिएट करना। वर्क यूनिट क्या होता है, जैसे अगर कंपनी में ओवर टाइम हो रहा है तो ओवर टाइम को रिकॉर्ड हम किस में करेंगे, घंटे और मिनट में करते हैं। तो इसके लिए हमें वर्क यूनिट बनाना होता है कि हम कौन से जो वर्क को रिकॉर्ड करेंगे उसका यूनिट क्या होगा। यहाँ पे गए क्रिएट, यहाँ पे ले लेंगे फ्रेंड्स मिनट, डेसिमल प्लेसेस 0 रहेगा, इसके बाद दूसरा होगा HR, डेसिमल प्लेसेस 2 होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये जो डेसिमल प्लेसेस है यहाँ आपको 2 देना है क्योंकि हमें कंपाउंड यूनिट बनाना है, वही यूज़ करेंगे। इसके बाद बैक स्पेस प्रेस करेंगे, यहाँ से ले लेंगे कंपाउंड और यहाँ से HR ऑफ 60 मिनट। जिन फ्रेंड्स को ये समझ में ना आए कि कंपाउंड यूनिट क्या होता है तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे कंपाउंड यूनिट पे हमारा पूरा लेक्चर है, उसको देखें। कंपाउंड यूनिट होता है एक साथ एक से अधिक अलग अलग क्वांटिटी को यूनिट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे घंटा और मिनट दोनों रिकॉर्ड करेगा। ये हमारे पास डिस्प्ले करके देखते हैं, ये हमारे पास फ्रेंड्स 3 चीज़ें बन गई जिसमें से ये हम यूज़ करेंगे जो कंपाउंड वाला यूनिट है। इसके बाद अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पे जाएंगे, सेकंड स्टेप फ्रेंड्स, यहाँ पे जाके हम अटेंडेंस क्रिएट कर लेंगे। पहले हमने प्रेजेंट का बनाया, प्रेजेंट क्या है, अटेंडेंस लीव विद पे, ये अटेंडेंस भी हो सकता है और लीव भी ऐसा हो सकता है जिसको जो पेड होती है, कंपनी जिस पे पेमेंट करती है। इसके बाद ये चूज करके एंटर करेंगे। नेक्स्ट एब्सेंट,
एब्सेंट लीव विदाउट पे ये ऐसी छुट्टी है जिस पे पेमेंट नहीं मिलेगी, जिसका काटा जाएगा पेमेंट। इसके बाद फ्रेंड्स आपका ओवर टाइम, ओवर टाइम, ओवर टाइम आपका होगा फ्रेंड्स प्रोडक्शन पे, और इसका जो यूनिट होगा एचआर ऑफ 60 मिनट होगा, ये जो हमने कंपाउंड यूनिट बना रखी थी। ये हो गया फ्रेंड्स आपका अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। फ्रेंड्स मैं चूंकि बड़ा टॉपिक है इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट बनाऊंगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है जहां पे आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा है उसको प्लेबैक करके आप दोबारा से देख लें, स्टॉप कर करके एक एक स्टेप को चाहे तो नोट डाउन करते हुए चलें। इसके बाद फ्रेंड्स हमें एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट करनी है, यहाँ पे गए और एम्प्लॉय नाम की एक एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे, ये आपकी एम्प्लॉय कैटेगरी बन गई। एम्प्लॉय कैटेगरी बनाने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप आता है एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करना। एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है, ये दरअसल कंपनी के डिपार्टमेंट्स होते हैं कि कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें क्या क्या काम होता है। तो सिर्फ डिपार्टमेंट के नेम क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ से एम्प्लॉय चूज करना है कैटेगरी में, जैसे आपका एडमिन डिपार्टमेंट होता है, एडमिन हर कंपनी में होता ही होता है। इसके बाद आपका सेल्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, इस तरह से जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो सारे डिपार्टमेंट हमें बना लेने होंगे। ये हमारे डिपार्टमेंट्स बन गए फ्रेंड्स। डिपार्टमेंट बनने के बाद हम क्या करेंगे, बाहर आएंगे, एम्प्लॉई पे जाएंगे और एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर लेंगे कि कौन कौन से एम्प्लॉई हैं हमारे पास। यहाँ पे ध्यान देना है बैक स्पेस करेंगे, कैटेगरी पे जाके एम्प्लॉई चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया मिस्टर मोहन सिंह, ये हो गया। अंडर इनका डिपार्टमेंट क्या है, सपोज ये मैनेजर हैं तो एडमिन डिपार्टमेंट में जाएंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रेंड्स, इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जैसे मैं 2010 ले लेता हूँ। इसके बाद 2010, इसके बाद एंटर करेंगे एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर इनका कोई भी एम्प्लॉय नंबर दे देंगे। एक्चुअल में जब किसी कंपनी में आप लोग रियल इन्वायरमेंट पे वर्क करोगे तो आपको ये सब प्रोवाइड किया जाएगा, तो वही डालना है जो एम्प्लॉय का नंबर हो। डेजिग्नेशन जैसे सपोज ये मैनेजर हैं, मैनेजर लिख दिया हमने। फंक्शन क्या वर्क है इनका, मैनेजिंग कंपनी, कंपनी को मैनेज करना। लोकेशन सपोज ये लखनऊ लोकेशन में है। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, इस तरह से फादर नेम, मदर नेम, ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे फिलअप करनी होती है। बैंक डिटेल फिलअप करना है तो इसको यस करके बैंक डिटेल भी इनकी प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकम टैक्स नंबर, पैन नंबर भी यहाँ पे दे सकते हैं। और ये मैच करना चाहिए, छोड़िए इसको स्किप कर जाइए। एंटर करेंगे, ये आपका एक एम्प्लॉय हमने बना दिया फ्रेंड। एम्प्लॉय क्रिएट करने के बाद हम आएंगे पेहेड क्रिएशन पे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है पेहेड क्रिएशन पे, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस पूछता है, और सारे ऑप्शंस अगर प्रॉपर सही से हम चूज नहीं करेंगे तो सैलरी प्रिपेयर होने में प्रॉब्लम होती है। तो पेहेड्स पे गए। पेहेड्स क्या होते हैं हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, या जो फ्रेंड्स को समझ में ना आए इसके प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, उसमें पूरा डिस्कस किया हुआ है कि पेहेड्स क्या होते हैं। जैसे आपका बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे ध्यान देना है पेहेड टाइप में फ्रेंड्स ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के लिए ये अर्निंग है और ये फिक्स होता है। अंडर कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और इसके बाद एंटर करेंगे पे स्लिप में किस नाम से शो करे, तो ये केवल बेसिक के नाम से शो करे। एंटर करेंगे कैलकुलेशन पीरियड, कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप में फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है
हमें लेना है ऑन अटेंडेंस, जितनी अटेंडेंस है उतनी इनकी बेसिक बनेगी। अब अटेंडेंस कौन सी, प्रेजेंट वाली पे बेसिक बनेगी, और ये मंथ वाइज कैलकुलेशन पीरियड चलेगा, और जो मंथ होगा वो एज पर कैलेंडर पीरियड होगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ, आप लोग ये सारे ऑप्शंस देख लीजिए कैसे कैसे हैं, और इसके बाद फिर इसके आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया बेसिक सैलरी। इसके बाद नेक्स्ट हमने बताया था जो अलाउंसेस मिलते हैं डीए टीए एचआरए, तो यहाँ पे डीए डियरनेस अलाउंस हो गया आपका, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉई है, ये वेरिएबल होगा, फिक्स भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपनी के लिए है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एज कंप्यूटेड वैल्यू, और नेक्स्ट यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, क्योंकि ये क्या करना है हमें बेसिक सैलरी पे कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला ले लिया हमने, और यहाँ से हम ले लेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी लेने के बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए इस जगह पे आपका बेसिक सैलरी यहाँ पे शो कर रहा है, ये हमने एंटर किया। इसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे स्लैब दे देंगे, हमने दे दिया 25,000, जिसकी है उसकी 5%, 25,000 से 35,000 जिसकी है उसकी 10%, और 35 से ऊपर जिसकी है उसकी 15% डीए कैलकुलेट हो। एंटर करेंगे, देख लीजिए फ्रेंड्स, देन एक्सेल। इसी तरह से टीए और एचआरए भी हो जाएगा, फटाफट मैं क्रिएट कर लेता हूँ। टीए ट्रेवलिंग अलाउंस, अर्निंग फॉर एम्प्लॉई, वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एज कंप्यूटेड वैल्यू ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक सैलरी, और यहाँ से हमने अगेन वही स्लैब दे दिया, 20,000 का दे देते हैं, 20,000 पे 10%, 20 से 30,000 पे 15%, और 30,000 से अबो 20%। ये स्लैब हो गया टीए ट्रेवलिंग अलाउंस का। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस का भी ऐसे ले लेते हैं, यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपनी के लिए होगा, और यहाँ पे आपका होगा कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ से ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक सैलरी पे ये भी कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे स्लैब दे दिया हमने अगेन 25,000 पे 6%, 25 से 35,000 पे आपका 12%, और 35,000 से ऊपर आपका 15%। ये डीए टीए एचआरए हो गया फ्रेंड्स, ये तीनों एम्प्लॉय के लिए इनकम होता है, कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो होगा वो होगा पीएफ प्रोविडेंट फंड, जो कि उसकी ग्रॉस में से, ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट की जाती है। पीएफ हो गया, ये आपका होगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉई, एम्प्लॉई से डिडक्शन करेंगे। यहाँ पे कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए करंट लायबिलिटी, एंटर करेंगे, और यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू ये भी होगा, और यहाँ पे ऑन करंट अर्निंग टोटल से होगा, यानी कि जितना इसका ग्रॉस बनेगा उस ग्रॉस में से हम पीएफ को कैलकुलेट करेंगे। तो ये स्लैब हम दे देते हैं 35,000 पे 5%, 35 से 45,000 पे 8%, और 45,000 से ऊपर 12%, ये स्लैब हमने दे दी। इसके बाद से आईटी होता है फ्रेंड्स, इनकम टैक्स, ये भी सेम पीएफ की तरह से ही होगा, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉई होगा, करंट लायबिलिटी होगा, और एज कंप्यूटेड वैल्यू होगा, एंटर करेंगे, और यहाँ पे ऑन करंट अर्निंग टोटल अगेन वही स्लैब देते हैं 35,000 3%, 35,000 to 40,000
5% 40,000 टू 45,000 से अब वो 8% कर दिया। ये आपका आईटी हो गया फ्रेंड्स। पेहेड्स बन गए। पेहेड्स बनने के बाद और भी बहुत सारे पेहेड होते हैं कंपनी में, जो जो हेड्स हों उसको हम क्रिएट कर लेंगे। फिर आपका सैलरी डिटेल्स पे हम लोग आते हैं फ्रेंड्स। सैलरी डिटेल्स पे गए, यहाँ पे जाके हम डिफाइन करेंगे, चूज करेंगे एम्प्लॉई को मोहन सिंह। यहाँ पे डेट दे देंगे जिस मंथ की सैलरी बनानी है, 1 अप्रैल 2019। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेट का कुछ प्रॉब्लम है, डेट ठीक कर लेते हैं। ऑल्ट, एक सेकेंड, यहाँ पे ऑल्ट प्लस F2 हमने प्रेस किया। हाँ, यहाँ पे 2020 और 21 फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं, 2020-21। ये फ्रेंड्स हमने इसलिए किया कि कंपनी क्रिएट करते समय हमारा जो फाइनेंशियल ईयर सेट था वो 1/4/2020 सेट था, तो 2020 और 21 फाइनेंशियल ईयर लेंगे तभी उसमें एंट्री होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर से F2 प्रेस करके डेट यहाँ पे कर देते हैं 1/4/2020। ठीक है, अब अगेन हम जाएंगे यहीं पे पेरोल इन्फॉर्मेशन में गए, सैलरी डिटेल पे यहाँ पे डिफाइन करेंगे मिस्टर मोहन सिंह। एक तारीख हमने ले ली 1 अप्रैल 2020, बेसिक सैलरी हमने दे दी इनको 35,000 दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आपका DA, अगेन TA, HRA, PF और IT। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ, आप लोग देख लीजिए। बेसिक सैलरी हमने दी, ये यूज़र डिफाइन था। DA, TA, HRA ये सभी आपका कंप्यूटेड वैल्यू है और बेसिक सैलरी पे कंप्यूट हुआ है। PF और IT ये भी कंप्यूटेड है और ये किस पे कंप्यूट हुआ है, ऑन करेंट अर्निंग टोटल पे, और ये एम्प्लॉई में से डिडक्शंस हैं, एम्प्लॉई की अर्निंग नहीं है, और ये दोनों कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी होगा और ये ऊपर से ये चारों कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। तो ये हमने फ्रेंड्स सेव कर दी, पेहेड आपका क्रिएट हो गया। अब पेहेड क्रिएट करने के बाद जो अगला स्टेप आता है फ्रेंड्स, वो आता है हमारा वाउचर टाइप ऑल्टरेशन, यानी पेरोल का वाउचर हमें ऑल्टर करना होता है। तो यहाँ पर वाउचर टाइप पे गए और यहाँ से हम जाएंगे ऑल्टर पे और यहाँ से पेरोल चूज करेंगे। पेरोल चूज करने के बाद एंटर करते जाएंगे फ्रेंड्स, करते करते यहाँ नेम ऑफ क्लास, यहाँ पे लास्ट में हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी एंटर करेंगे फ्रेंड्स। हमारे सामने एक नया स्क्रीन खुलेगा, यहाँ पे देखिए इंड ऑफ लिस्ट ले लेंगे, यहाँ पे भी इंड ऑफ लिस्ट ले लेंगे और यहाँ पे नेम ऑफ लेजर पूछ रहा है। तो लेजर का नेम हम यहाँ पे कोई लेजर तो बनाया नहीं है, सैलरी पेबल का एक लेजर बनाना होता है, तो हम लेजर एक हमें बनाना होगा सैलरी पेबल का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करेंगे ऑल्ट सी, ये सेकेंडरी लेजर क्रिएशन में चला जाएगा। यहाँ पे हमने एक लेजर बना ली सैलरी पेबल, करंट लायबिलिटी में होगा फ्रेंड्स। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सेकंड ऑप्शन यूज फॉर पेरोल यस करना है, तभी यहाँ पे ये यूज होगा, अदरवाइज यूज नहीं होगा। एंटर करेंगे और एंटर करके यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ये हमारा स्क्रीन सेट हो गया। एंटर करेंगे और हमारा यहाँ पे देखेंगे वाउचर टाइप हमारा अल्टर हो चुका है। अब वाउचर टाइप अल्टर करने के बाद फ्रेंड्स हम ये देखिए यहाँ पे ये सारे स्टेप्स आपके क्लियर हो गए। इसके बाद हम आएंगे सीधे अकाउंटिंग वाउचर में और अटेंडेंस वाउचर बनाएंगे, उसके बाद पेरोल वाउचर बना के उसको सैलरी इशू कर देंगे। फ्रेंड्स ये मैं अकाउंटिंग वाउचर में गया,
अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे डेट चेक कर लेनी है, डेट क्या है, और उसके बाद आपको अटेंडेंस बनानी है इनकी। तो अटेंडेंस वाउचर के लिए शॉर्टकट की होता है आपका कंट्रोल प्लस F5। कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे, अटेंडेंस वाउचर आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अटेंडेंस वाउचर आ गया, मिस्टर मोहन सिंह चूज किया, इनका यहाँ पे प्रेजेंट ले लेंगे। प्रेजेंट सपोज ये 28 डेज प्रेजेंट हैं, और फिर अगेन मिस्टर मोहन सिंह इनका एबसेंट, अब 28 दिन प्रेजेंट है तो 2 दिन एबसेंट होगा। इसके बाद से मिस्टर मोहन सिंह इनका ओवर टाइम 5 आवर्स, इनका ओवर टाइम है 5 घंटे, एंटर करेंगे और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। फ्रेंड्स एक बार देख लीजिए आप ध्यान से, ये हमने चूज किया और प्रेजेंट एब्सेंस ओवर टाइम तीनों हमने बता दी। और एक चीज़ और ध्यान देना है, ये 1 अप्रैल 2020 की तारीख में एंट्री हो रही है, तो जो ये सैलरी बनाएगा वो अप्रैल महीने की ही बनाएगा। ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट आपका फ्रेंड आता है पेरोल वाउचर, उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल F4 शॉर्टकट की है। कंट्रोल F4 जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे सामने आएगा एक डायलॉग बॉक्स, यहाँ से हम चूज कर लेंगे स्टाफ सैलरी, चूज करने के बाद एंटर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ये स्क्रीन अपीयर हो फ्रेंड्स, यहाँ पे तुरंत आपको यहाँ से कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ तुरंत आपको प्रेस करना है एक शॉर्टकट की, और वो है Alt+A, ऑटोफिल के लिए होता है। ये देखिए पेरोल ऑटोफिल लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप Alt+A प्रेस करेंगे तो ये एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे हम चूज कर लेंगे सैलरी, और यहाँ पे डेट आपका आ जाएगा 1/4/2020 से यहाँ पे 1/5/2020। अब फ्रेंड्स ये आप सोचेंगे कि 1/4 से 1/5 क्यों किया हमने, तो चूंकि 1/4 से 30/4 तक होना चाहिए, पूरे महीने की सैलरी बननी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है कि हमारा जो टैली का सॉफ्टवेयर है ये एजुकेशनल वर्जन है, इसमें डेट चेंज नहीं होती है, तो इसमें इसीलिए हमने 1/4 से लेके 1/5 यानी एक दिन ज़्यादा की डेट डाल दी। अब इसके बाद यहाँ पे चूज करेंगे जो कॉस्ट कैटेगरी हमने बना रखी थी पहले से, एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई चूज करके एंटर करेंगे, और यहाँ से चूज कर लेंगे मिस्टर मोहन सिंह की सैलरी बनानी है, एंटर, और इसके बाद शॉर्ट बाई एम्प्लॉई नेम अगेन एंटर करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मिस्टर मोहन सिंह का पूरा डिटेल क्रिएट होके आ चुका है। ये देखिए बेसिक DA, TA, HRA, PF और IT सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स इनके क्रिएट हो गए, एंटर करके सेव कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका पेरोल की एंट्री हो गई। अब आइए कि देखते हैं कि पेरोल का रिपोर्ट कैसे देखेंगे हम। अब जैसे सपोज आपको पे स्लिप देखना है एम्प्लॉय का, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ से डिस्प्ले में, गेटवे ऑफ टैली के बाद डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद आप यहाँ से जाएंगे पेरोल रिपोर्ट में। पेरोल रिपोर्ट में जाने के बाद आप जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, और सिंगल पे स्लिप पे क्लिक करेंगे यहाँ से और एंटर कर देंगे। इसके बाद से फ्रेंड्स आपके सामने ये दिखाई देगा, ये पूरा आपका पे स्लिप दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली जैसा होता है वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपका इधर पूरा आपका टोटल अर्निंग्स है ये, और यहाँ पे आपका टोटल डिडक्शंस हैं ये, और ये जो आपका है ये कैश इन हैंड यानी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा 39,229.86 रुपीज़ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अब फ्रेंड्स इसको अगर हमें प्रिंट लेना है तो इसके लिए शॉर्टकट की है Alt+P प्रेस करेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर लगा हुआ है फ्रेंड्स तो इसका डेफिनेटली प्रिंट आउट आ जाएगा, फिर आप इस पे अपना ऑथराइज सिग्नेचर करके आप एम्प्लॉय को दे सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये था आपका पूरा का पूरा पेरोल मैनेजमेंट का। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मल्टीपल पे स्लिप्स हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 5-6 एम्प्लॉय की एंट्री करनी पड़ेगी। इसके बाद से आप सिंगल पे स्लिप पे जाके यहाँ से सिंगल पे स्लिप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पेरोल से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं सारा का सारा रिपोर्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका पेरोल का पूरा वीडियो। होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।